हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर लगभग 2% का एक बड़ा डंप देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें डोमिनेंस को लेकर, तो यहाँ पर डोमिनेंस इस टाइम पर 41.53% के आसपास देखने को मिल रही है। और प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस चल रही है $43,300 के आसपास। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कल रात को एक पंप देखने को मिला था और वापस से बिटकॉइन यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इथेरियम अंदर भी डंप देखने को मिल, सोल के अंदर भी डंप देखने को मिल रहा है, डॉट के अंदर भी एक ग्राउंड देखने को मिल रही है, और यहां पर आप देखते हैं बीएनबी के अंदर भी लगभग 2% की एक ग्राउंड देखने को। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आज आपको बिटकॉइन के बारे में सारी बातें बताने वाला हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बातें मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल और नए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की ओर। तो देखिएगा, यहां पर अभी मार्केट के अंदर ये जो क्रैश देखने को मिला है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि बिटकॉइन यहां पर $45,900 का जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, यानी जहां पर 100 EMA बैठा हुआ था, वहां से प्राइस वापस से नीचे देखने को मिली है, जिसके चलते यहां पर अल्टकॉइन के अंदर भी एक डंप देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें फंडामेंटल न्यूज को लेकर, तो फ्रेंड्स यहां पर अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो यहां पर ग्लोबल लेवल पर बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो मार्केट को लेकर अभी पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है नेगेटिव न्यूज की तुलना में। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज निकलकर नहीं आई है, लेकिन यहां पर जो डंप देखने को मिला है, उसका रीजन मैंने आपको बताया है। बिटकॉइन की प्राइस यहां पर इस इंपॉर्टेंट 100 EMA को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है, जिसके चलते यहां से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर सडनली एक डंप देखने को मिला है, और बिटकॉइन के अकॉर्डिंग यहां पर अल्टकॉइन के अंदर भी एक डंप देखने को मिला है। अब देखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन अपना जो वन डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बना रहा है, वो इस मोस्ट मूविंग एवरेज पर बना रहा है। देखिए, इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यहां से एक डंप देखने को मिला, और एग्जैक्ट इसी मूविंग एवरेज से, इस ग्रीन कलर की लाइन से प्राइस ऊपर भी देखने को मिली है। अब यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स, जब इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 2021 के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला, तो यहां पर क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिली वो जान लीजिए। फ्रेंड्स, यहां पर एक तो आता डेथ क्रॉस, डेथ क्रॉस होने की स्थिति में इस तरह से प्राइस नीचे देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यहां पर एक और बात बताना चाहूं, तो वो है ये वाली। फ्रेंड्स, यहां पर 100 EMA ने 200 EMA को क्रॉस किया, और फ्रेंड्स जैसे यहां पर क्रॉस किया, तो सडनली एक और डंप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला, इतना सा आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम पर यह क्रॉस हो चुका है, और मैंने आज से 2-3 दिन पहले, जब यह क्रॉस नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि यह क्रॉस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको यह भी कहा था, मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जब क्रॉस हुआ था, तो इतना सा एक डंप देखने को मिला, और देखिए फ्रेंड्स, यहां पर यह जैसे क्रॉस हुआ है, तो आपको प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक डंप देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठकर आता है कि बिटकॉइन की प्राइस को अब कहां-कहां पर सपोर्ट मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा मेजर सपोर्ट मिलने वाला है, वो 50 EMA के आसपास मिलने वाला है, यानी इस ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास मिलने वाला है। फिर उसके बाद में जो सबसे बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है, वो $9,437 के आसपास है। फिर उसके बाद में जो एक और मेजर सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट जोन है, वो है $35,700 से लेकर $35,000 के बीच का। तो फ्रेंड्स, आप इसको भी ध्यान में रखें। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डंप आने वाला है, यहां पर फ्रेंड्स जो देखा गया है वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर एक और पॉजिटिव बात है जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, अपन यहां पर डंप की बात कर ली है, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर पंप की बात भी कर लेते हैं। अब बहुत सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि सर आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, कि पंप भी आने वाला है, डंप भी आने वाला है। मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, यहां पर फ्रेंड्स जब इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप देखने को मिला, तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन की प्राइस किससे ऊपर देखने को मिली, 50 मूविंग एवरेज से। यहां से प्राइस इस तरह से ऊपर देखने को मिली यहां तक। अगर फ्रेंड्स यहां से इस लेवल से, इस 50 मूविंग एवरेज से बात करूं, तो फ्रेंड्स यहां तक अगर कैलकुलेट करता हूं, तो लगभग बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 24.44% का एक बड़ा पंप देखने को मिला, जब बिटकॉइन की प्राइस वन डे के टाइम फ्रेम पर एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद में 50 मूविंग एवरेज से ऊपर देखने को मिली, तब ऐसी स्थिति में। और फ्रेंड्स, अगर मैं इस लेवल से इस लेवल तक कैलकुलेट करता हूं, तो यह पंप आता है लगभग 54.34% का। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज तो आपको देखने को मिली, जब इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस वन डे के टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज से ऊपर देखने को मिली करेक्शन के बाद में, तब कितना अच्छा खासा पंप बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला। देखिए फ्रेंड्स, यह एक बार नहीं हुआ, यह दूसरी बार भी यहां पर देखने को मिला। आप यहां पर देखिएगा, प्राइस इस तरह से नीचे देखने को मिली, और देखिएगा जब बिटकॉइन की प्राइस वन डे के टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज से ऊपर दोबारा देखने को मिली, तो इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक पंप देखने को मिला। तो फ्रेंड्स,
एग्जैक्ट अगर आप इसी मूविंग एवरेज से यहां तक कैलकुलेट करते हैं तो लगभग यह आता है 10.23% का एक बड़ा पंप बिटकॉइन के अंदर। और फ्रेंड्स अगर आप इस मूविंग एवरेज से अगर इस लेवल तक कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है लगभग 47.66% का एक बड़ा पंप बिटकॉइन के अंदर। और वो भी कौन सी स्थिति में, जब बिटकॉइन के अंदर एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला हो और फिर उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली हो और जब बिटकॉइन 50 मूविंग एवरेज से ऊपर देखने को मिला 1 डे के टाइम फ्रेम पर, उसके बाद में यहां पर भी सेम ऐसा ही हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर भी प्रेजेंट टाइम पर ऐसा ही हो रहा है। यहां पर देखिएगा आप प्रेजेंट टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस 1 डे के टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। यहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ी सी हलचल देखने को मिली थी, आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर भी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ी सी हलचल देखने को मिली। तो फ्रेंड्स यहां पर भी वही हलचल देखने को मिल रही है, यानी यहां पर भी एक छोटा सा डंप देखने को मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स बिटकॉइन 1 डे के टाइम फ्रेम पर 50 मूविंग एवरेज के आसपास अपना सपोर्ट बना लेता है मजबूती के साथ में, तो फ्रेंड्स ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा यहां पर और यहां पर हुआ था। और फ्रेंड्स यहां से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर सडनली आपको लगभग 20% का एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। देखिए मैं बता देता हूं आपको कि अगर यहां से पंप आता है तो बिटकॉइन को दो बड़े रेजिस्टेंस कहां पर मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स पहला रेजिस्टेंस मिलने वाला है $45,900 के आसपास, उसके बाद में दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा $50,000 के आसपास, और फ्रेंड्स उसके बाद में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा वो $53,468 के आसपास मिलेगा। और फ्रेंड्स यहां पर इस क्रॉस के आसपास तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें। अगर फ्रेंड्स बिटकॉइन की प्राइस 1 डे के टाइम फ्रेम पर 100 EMA यानी इस लेवल से ऊपर आ जाती है तो यहां से बिटकॉइन की प्राइस के इस जोन के अंदर जाने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन इस 50 मूविंग एवरेज को अपना सपोर्ट बनाकर यहां पर इसे होल्ड करे और यहां से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक पंप देखने को मिले। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मान लीजिए बिटकॉइन की प्राइस नीचे आती है जिस तरह से यहां पर क्रॉस होने के बाद प्राइस नीचे देखने को मिली थी उस अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहां और यहां बिटकॉइन अपना सपोर्ट बना सकता है, जो बात मैंने आपको बता दी है। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस इस तरह से आपको एक बार नीचे देखने को मिल सकती है हल्की सी इस 50 मूविंग एवरेज से, और इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस अपने को वापस ऊपर देखने को मिल सकती है और फाइनली इस तरह से अपना एक सपोर्ट बनाकर इस तरह से थोड़ा सा और ऊपर देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स बाकी सारी बातें डिपेंड करेगी फंडामेंटल न्यूज के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहां पर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, अभी तक कोई भी नेगेटिव न्यूज मार्केट के अंदर नहीं आई है बहुत बड़ी, लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है आगे आने वाले दिनों के अंदर तो इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस आपको इन लेवल तक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिटकॉइन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स अब अपन बात कर लेते हैं माई टोकन को लेकर, क्योंकि यहां पर आप में से किसी एक भाई ने कल रात को मुझे माई टोकन की वीडियो का एक लिंक सेंड किया, और जैसे मैंने उस वीडियो को क्लिक किया तो मुझे वहां पर एडी भाई देखने को मिले। अब अगर आप एडी भाई के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, एडी भाई यहां पर लॉन्ग टर्म से मार्केट के अंदर है, और यहां पर जब मार्केट के अंदर 2018-2019 के टाइम पर एक बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिला था, यानी बियर मार्केट देखने को मिला था, तब ऐसी स्थिति में एडी भाई यहां पर यूट्यूब पर लोगों को क्रिप्टो मार्केट के बारे में बताते थे, और उस टाइम से ही मैं एडी भाई को जानता हूं। यहां पर एडी भाई एक बहुत अच्छे क्रिप्टो यूट्यूबर है, और उनके बारे में ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको सब लोग यहां पर जानते हैं। और फ्रेंड्स यहां पर एडी भाई ने कल एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, और यहां पर उस वीडियो के अंदर उन्होंने साफ साफ बोला है कि माई टोकन, VNO और उसके साथ में रॉयल क्यू, ये तीनों के तीनों स्कैम है, और यह यहां पर आपको कुछ दिनों के लिए प्रॉफिट देंगे, फिर उसके बाद में यह स्कैम करके भाग जाएंगे, और यह सारी बातें उन्होंने अपने उस वीडियो के अंदर बता रखी थी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एडी भाई ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो माई टोकन के बारे में बताया है, तो देखिए मेरे भाई मैंने माई टोकन के बारे में यहां पर 3 वीडियोस बनाई है, और उन तीनों वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से बताई है कि इस तरह की एप्लीकेशन इन फ्यूचर एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम भी कर सकती है। तो आपको माई टोकन के अंदर वही रुपया इन्वेस्टमेंट करना है जो आप खोने के लिए 100% तैयार हैं। अब जिन मेरे भाइयों ने उन वीडियोस को देखा होगा उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता होगा, हालांकि मैंने उन वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है क्योंकि यहां पर एडी भाई सीनियर है, और फ्रेंड्स यहां पर सीनियर ने जो रिसर्च की है, और यहां पर जो हम यूट्यूबर्स को, जिन यूट्यूबर्स ने यहां पर माई टोकन को प्रमोट किया है उनको जो बातें बोली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उन वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है ताकि और लोग आगे उन वीडियोस को ना देख पाए। अब देखिए यहां पर मेरे पास में माई टोकन, VNO और उसके अलावा रॉयल क्यू, इन तीनों कंपनियों के प्रमोशन के लिए यहां पर मेरे पास मेल आई हुई थी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको जब भी किसी चीज के बारे में बताता हूं, किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, किसी भी एक्सचेंज के बारे में, तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं खुद रिसर्च करता हूं, मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूं। देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने VNO के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, यहां पर मैंने मनी अपना खो दिया। और फ्रेंड्स जब मैंने रॉयल क्यू के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे को कुछ नहीं मिला, और यहां पर मैंने एक मेरा बड़ा मनी लॉस किया। लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने माई टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तब उसके बाद मुझे यहां पर कुछ अर्निंग हुई,
और फ्रेंड्स उस अर्निंग के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। मैंने पूरी रिसर्च करने के बाद में यह पाया था कि यह कंपनी अभी तो प्रॉफिट दे रही है लेकिन इन फ्यूचर यह एक बहुत बहुत बड़ा स्कैम कर सकती है। और इसी डिस्क्लेमर के साथ में मैंने आपको तीनों वीडियोस के अंदर यही बताया था कि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वही रुपया इन्वेस्टमेंट करें जो आप खोने के लिए 100% तैयार है। और फ्रेंड्स मैंने भी यहां पर कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, एक बार $500 का किया था और एक बार $300 का किया था। और फ्रेंड्स मैंने यह इन्वेस्टमेंट इसलिए किया था क्योंकि मैं इसको खोने के लिए 100% तैयार था। और फ्रेंड्स मैंने आपको इसी के चलते यहां पर वीडियोस के अंदर माई टोकन के बारे में बताया था। ये अब यहां पर एडी भाई सीनियर है और एडी भाई ने यहां पर इन तीनों के ऊपर रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद में यहां पर सभी को बताया है। और फ्रेंड्स यहां पर ये क्रिप्टो कम्युनिटी है और क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर सीनियर जो कहते हैं उसको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने बहुत सारे स्कैम प्रोजेक्ट्स को देखे हैं और उन्होंने उस टाइम को भी देखा है जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बियर मार्केट चल रहा था। तो फ्रेंड्स यहां पर एडी भाई ने जो बातें कही है वो बिल्कुल सही है, यहां पर किसी प्रकार की गलती नहीं है। यहां पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मैंने वैसे तो आपको बहुत बड़े बहुत मजबूत डिस्क्लेमर के साथ में इन तीनों वीडियोस के अंदर बताया था कि मैं ना ही तो आपको उकसा रहा हूं और ना ही मैं आपको यहां पर फोर्स कर रहा हूं। आप अगर माई टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह स्वयं और स्वयं आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी आपने माई टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपने जो अपनी जो प्रारंभ में पूंजी लगाई थी उस पूंजी को निकाल लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रेंड्स उस प्रॉफिट को आप रहने दे सकते हैं, लेकिन आपने यहां पर जो अपनी जेब से रुपया लगाया उसको आप निकाल हैं। देखिए मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, भाई तूने स्कैम प्रोजेक्ट को क्यों यहां पर प्रमोट किया। लेकिन यहां पर मेरे भाई मैंने आपको जब यह बताया उससे पहले मैंने खुद इसका रिसर्च किया था और यहां पर मेरी रिसर्च के अंदर मेरे को जो चीज मिली वो मैंने बताया। मैंने देखिए यहां पर रॉयल क्यू और वीएनओ का प्रमोशन क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ था इसलिए मैंने यहां पर इनका प्रमोशन नहीं किया था, जबकि इनकी भी मेरे पास 100 मेल आई हुई है वीएनओ और रॉयल क्यू की। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको माई टोकन के बारे में बताया क्योंकि माई टोकन ने मेरे को अर्निंग दी, लेकिन बताने से पहले मैंने आपको बताया दिया था कि यहां पर माई टोकन स्कैम कर सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर 60 से ज्यादा यहां पर लोगों के साथ में फ्रॉड किया जाता है। और इसी के चलते मैंने आपको डिस्क्लेमर के साथ में उन वीडियोस के अंदर बताया था और मैंने आपको यही कहा था कि आप यहां पर वही रुपया इन्वेस्टमेंट करें जो आप 100% खोने के लिए तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो किया भी होगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक अपना प्रारंभिक निवेश यहां से नहीं निकाला है तो उसको जरूर निकाल लीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और देखिए मैंने उस टाइम पर भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं कर रहा हूं इस एप्लीकेशन को लेकर, आपकी स्वयं की मर्जी है, आप स्वयं इसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे अगर आपके साथ में कुछ होता है तो। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखी है और अभी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी टाइम है और आप वो रुपया यहां से निकाल। फ्रेंड्स यहां पर एडी भाई को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि एडी भाई ने यहां पर इन तीनों के ऊपर अपनी रिसर्च करी है। फ्रेंड्स यहां पर मैंने क्यों प्रमोशन किया था मैंने आपको उसका रीजन बता दिया है, और जबकि यहां पर एडी भाई ने सीधा सीधा यूट्यूबर्स को कहा है कि आप ये सब बंद करें। फ्रेंड्स उसी के चलते मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है माई टोकन की, और बाकी माई टोकन के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स ने प्रॉफिट भी अर्न किया है तो आप यहां से बाहर निकल सकते हैं। और बाकी सारी बातें अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स आप मुझे पता है यहां पर नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट करने से पहले आपने अगर वो वीडियोस देखी होगी तो उस वीडियो के डिस्क्लेमर को आपने देखा होगा, तो प्लीज उस डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए वीडियो के कमेंट सेक्शन अंदर आप कमेंट करें। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।